सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आप सभी को सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट बनाना सीखना है, आप कि कैसे हम सोशल मीडिया का फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो जिन लोगों ने अकाउंट बना लिया है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा थम्सअप, जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज हम अकाउंट बनाना सीखेंगे सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना तो पहली चीज होगी ही होगी, साथ साथ और कैसे लाभ उठा सकते हैं सोशल मीडिया का वो भी जानेंगे। बहुत गहराई में समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है। देखिए बेसिक्स आपको भले ही क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमें अकाउंट बनाना है, लेकिन उसका फायदा कैसे उठाना है वो हम आज जानने वाले हैं। तो आशा करता हूँ सभी लोग एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं आज के सत्र के लिए। तो इसी भावना के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और आज के सत्र की शुरुआत करने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर देख तो पा ही रहे होंगे कि आज की जो ट्रेनिंग है वो है सोशल मीडिया ट्रेनिंग। तो डीपली समझते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आप सभी को सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट बनाना सीखना है। आप सभी अवगत तो होंगे, मैंने आप सभी को पहले इस चीज़ के बारे में सिखाया था कि कैसे अकाउंट बनाना है, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन आज हम जरूर कर सकते हैं। तो दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक है इंस्टाग्राम और दूसरा है फेसबुक। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिन पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कैसे इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाना है। इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम की दुनिया में घुसना जरूरी है, आपको डाउनलोड करना आना चाहिए। डाउनलोड कैसे करेंगे वो समझते हैं इंस्टाग्राम को। देखिए इसका आइकन कुछ इस तरीके का होता है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीले और सफेद रंग का जो आइकन बना हुआ है ये याद रखिएगा, इसको आपको प्ले स्टोर पर ढूंढना है। प्ले स्टोर के माध्यम से अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या डाल सकते हैं। कैसे आपको इंस्टाग्राम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, तो आप देख पा रहे होंगे रेड बॉक्स में हाईलाइटेड है इंस्टॉल, इस पर क्लिक करते ही इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाएंगे। अब आपका अकाउंट बना हुआ है तो बहुत बढ़िया, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। याद रखिएगा क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन जो है वो है आपकी स्क्रीन पे सबसे नीचे रेड कलर के बॉक्स से हाईलाइटेड है कि क्रिएट न्यू अकाउंट। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फोन से फोटो भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन कहाँ आता है। तो ऐसे तो हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है, अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। सभी के पास मोबाइल नंबर है, सभी यूज़ करते हैं फ़ोन आज के युग में। मोबाइल नंबर आप अपना जैसे ही डालेंगे फिर एक पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे। पासवर्ड क्यों सिलेक्ट करते हैं, अपने अकाउंट की सुरक्षा के लिए हम एक पासवर्ड डालते हैं ताकि हमारा अकाउंट सुरक्षित रहे। मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको एक पासवर्ड भी यूज़ करना है। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे दोनों काम करेंगे। अब क्या होता है, उसका अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है अपना नाम डालना। आपको अपना नाम यूज़ करना है और अपनी फ़ोटो यूज़ करनी है। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना सही नाम और सही फ़ोटो यूज़ करें और तभी अकाउंट बनाएं। आपकी जो पहचान है वो आपके नाम से है और आपकी प्रोफाइल पिक्चर से है, कोई अन्य प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगानी है आपको। किसी हीरो की फ़ोटो नहीं लगानी, किसी हीरोइन की फ़ोटो नहीं लगानी, आपको अपनी फ़ोटो ही यूज़ करनी है। ये चीज़ लिख लीजिए और ध्यान में रखिए कि आपकी पहचान बनेगी इस अकाउंट से, इसलिए आपको अपना नाम और अपनी फ़ोटो ही यूज़ करनी है। आगे बढ़ते हैं, अब इंस्टाग्राम में ये सारे काम कर लिए, सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट पर सबसे पहले चलो शुरुआत से चलते हैं। शुरुआत में आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे आपके फ़ोन में एप्लीकेशन आ जाएगा। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, ये दूसरा स्टेप है। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करते ही आपको मोबाइल नंबर यूज़ करना है, पासवर्ड यूज़ करना है। चलिए ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप हो गया कि आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर और अपना नाम यूज़ करना है। तो देखिए आप इंस्टाग्राम की दुनिया में आ चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है बिल्कुल। आप ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे इसलिए आप अकाउंट नहीं बना रहे, ऐसा तो सोचना ही नहीं है। तो बहुत आसानी से आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि फेसबुक पर कैसे अकाउंट बनाना है। फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है, मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ, दोनों एक ही कंपनी के हैं। कंपनी का नाम है मेटा, विदेशी कंपनी है, मेटा के हैं, और दोनों का तरीका, अगर कंपनी एक है दोनों का तरीका अकाउंट बनाने का बिल्कुल एक जैसा ही है। तो कुछ अलग नहीं है, जो आपने इंस्टाग्राम पे सीखा वही आप फेसबुक पर भी कर सकते हैं। तो फेसबुक पर करने के लिए क्या करते हैं, देखिए फिर से सबसे पहले आइकन पर ध्यान दे लीजिए, एफ आइकन जो बना हुआ है नीले रंग का, ये फेसबुक का आइकन है। इसको प्ले स्टोर के माध्यम से आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल कहते हैं अंग्रेजी में, डालना है, इंस्टॉल करना है। तो आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको, इंस्टॉल करने के बाद वही सेम तरीका, देखिए जो इंस्टाग्राम पे किया था वही हम फेसबुक पे करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे।
क्रिएट न्यू अकाउंट क्लिक करते ही आपका नया अकाउंट बनना हो जाएगा। करना क्या है, अब आपको वही काम करना है जो आपने इंस्टाग्राम पे किया था, मोबाइल नंबर और पासवर्ड यूज करना है। अब मोबाइल नंबर क्यों बोलते हैं, देखिए मोबाइल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी के पास मोबाइल नंबर है। दूसरा तरीका भी होता है ईमेल यूज करने का, लेकिन सभी के पास ईमेल नहीं होता है। मोबाइल नंबर हर कोई यूज करता है, इसलिए मोबाइल नंबर यूज करते हैं। मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, एक बहुत बढ़िया सा पासवर्ड जो आपको याद रहे हमेशा, वैसा पासवर्ड बनाइएगा। और आपको फेसबुक की दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता, फेसबुक का अकाउंट बन जाएगा। तो और भी ज़्यादा आसान है फेसबुक पर अकाउंट बनाना। अब एक रिक्वेस्ट है, आपने अकाउंट बना लिया, सभी से एक अनुरोध है कि RCM, कीसोल, जितने भी पेजेस हैं, जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं RCM, कीसोल, आपको फॉलो करने हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो, ये सभी को फॉलो करने हैं। अब जो फॉलो करने हैं वो भी बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि फॉलो करने हैं ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो छोटी इन्फॉर्मेशन हो चाहे वो बड़ी इन्फॉर्मेशन हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको RCM से रिलेटेड इन पेजेस के थ्रू मिल जाएगी। हो सकता है आप लीडर्स के ग्रुप में हो, आप खुद लीडर हो, लेकिन आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप के इन्फॉर्मेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन तो वहाँ भी आएगी आपको, बिल्कुल आपको मिलेगी, पर आपके पास इन पेजेस से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई इवेंट होने वाला है आपको पता चल जाएगा, कोई नया प्रोडक्ट आने वाला है आपको पता चल जाएगा। फॉलो करने का फायदा बहुत ज़्यादा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी। तो RCM कीसोल के इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, इंस्टाग्राम पेजेस के ऑफिशियल हैंडल आप सभी के सामने है, RCM बिजनेस ऑफिशियल कीसोल ओरिजिनल। अगर आप ये सर्च करेंगे आप बिल्कुल इन पेजेस को फॉलो कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि पेजेस को फॉलो करने का फायदा है। देखिए सबसे पहले अगर आप नए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो आपको हर काम करना नहीं आएगा, आपको हर चीज़ समझ में नहीं आएगी, धीरे 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 आप कर दोगे, स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना धीरे धीरे धीरे, ऐसे ही आपको सीखना होगा। एकदम से आप नहीं सीख पाएंगे। तो मान के चलिए कि आपको इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करना है, अब वो पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, उसमें आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों को जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे फेसबुक पर, उनको टैग कर सकते हैं। अब ये टैग क्या होता है, ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आप डायरी में नोट कर लीजिए। टैग का मतलब क्या होता है, टैग का आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मैं इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, कोई भी RCM से रिलेटेड न्यूज़ मैं इंस्टाग्राम पर डाल रहा हूँ, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे सर्कल में, जितना भी मेरा सर्कल है, जितने भी मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 100 जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि 100 के 100 साथियों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि आपके अकाउंट में वो आपके दोस्त एडेड होने चाहिए, एज अ फ्रेंड एडेड होने चाहिए। तो जैसे ही वो एडेड होंगे, आपके साथ जुड़े होंगे, उसके बाद आपको उनको टैग करना होता है, मतलब कि वो सारे 100 के 100 लोगों को मेरे पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, उसको कहते हैं टैग करना। जैसे ही मैं टैग करूंगा उनको, उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा कि पीयूष ने एक पोस्ट में मुझे टैग किया है। तो क्या है पोस्ट, बिल्कुल जिज्ञासा जागती है कि क्या है पोस्ट, मुझे जानना है। तो वो पोस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि क्या पोस्ट है। तो टैग करने का फ़ायदा ये होता है, जोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकती है। तो सबसे ज़रूरी यूज़ है, मैंने बोला था हम यूज़ पे चर्चा करेंगे, फ़ायदे पे चर्चा करेंगे। अकाउंट बनाने का रिविजन हमने कर लिया, सभी ने अकाउंट बना लिया होगा, पोस्ट करने का भी रिविजन हम कर चुके हैं, पोस्ट कैसे करना है वो भी हम सीख चुके हैं, हो सकता है उसका रिविजन भी करें, लेकिन उसके बाद क्या करना है, आगे का स्टेप क्या है, वो हम जान रहे हैं आज। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि टैग कैसे करना है। तो टैग पीपल का ऑप्शन आता है, जो भी आप कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे टैग पीपल का ऑप्शन आता है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अभी के अभी सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, टैग पीपल याद रखिए, लिख लीजिए टैग पीपल से आप अपने सारे दोस्तों को टैग कर सकते हैं पोस्ट पर, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, यूज करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है इसका। आगे बढ़ते हैं। अब अपने दोस्तों का नाम सर्च और उन्हें टैग कैसे करें, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ने बता तो दिया टैग कैसे करना है, सर ने बता दिया कि पेज को फॉलो कैसे करना है, लेकिन कैसे हम ढूंढेंगे कैसे? तो उसका बहुत आसान तरीका है, आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाना है, वहां पर सर्च फ्रेंड का ऑप्शन होता है या सर्च का ऑप्शन होता है। सर्च का ऑप्शन जानना कैसे, कैसे पता चलेगा सर्च का ऑप्शन क्या है? तो उसका सबसे आसान तरीका है एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, सर्कल बना होता है और बीच में छोटा सा एरो होता है, वो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे आप ढूंढ पाएंगे। तो ढूंढने और सर्च, देखिए जुड़े हुए वर्ड्स हैं, तो आप अपने दोस्तों को सर्च कर सकते हैं और उनको टैग कर सकते हैं। आगे बढ़े, जैसे ही टैग करेंगे बिल्कुल उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो टैग पर आपको नाम सर्च करना है और मार्क का ऑप्शन क्लिक कर देना है।
कि जैसे कि आपने पीयूष को सर्च किया, तो आपने पीयूष को सर्च किया, पीयूष का नाम आपको ऐसे नीचे टैग्स में दिख जाएगा कि ये ऑप्शन है, तो वहाँ पर आपको बस राइट क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा आसान सा काम करेंगे आप और टैग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स कैसे बनाने हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय है कि कैसे हम रील्स बना सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत चल रहा है ये कि रील्स कैसे बनाई जाए, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि रील्स कैसे हमको बनानी है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाने थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो रील्स का एक सेक्शन होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो चाहे वो फेसबुक पर हो, एक अलग से सेक्शन होता है रील्स बनाने का। तो रील्स पर क्लिक करेंगे, देखिए एरो बना हुआ है, ये ऐसा सेक्शन होता है, ऐसा आइकन होता है कि जहाँ से आप रील्स बना सकते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है और रील बनाना शुरू कर देना है। ध्यान में रखने वाली बात क्या है रील बनाते हुए, ध्यान में रखने वाली बात यही है कि सबसे पहले जो आप वीडियो बना रहे हैं, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपकी शक्ल, आपका फेस बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अंग्रेजी में बोलते हैं साफ और सुथरा होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपका फेस जो है वो क्लियरली दिखना चाहिए। तो वीडियो तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए कोई भी रील बनाने के लिए, ये शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक वीडियो और एक पिक्चर होना जरूरी है जिससे कि आप यूज़ करेंगे और रील बना पाएंगे। अब फिर से पीछे जाता हूँ, तो रील का आइकन जो है एक प्लेस आइकन बना होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख के रख लीजिए, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। अब क्रिएट क्या करना है, आपको पोस्ट डालना है, आपको स्टोरी डालनी है कि आपको रील बनानी है, तो आपको तो रील बनानी है, तो रील पर क्लिक करें। आगे बढ़ते ही जैसे ही आप रील पर क्लिक करेंगे, या तो आप नया वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए या आपके पास जो ऑलरेडी वीडियो है आप उसको यूज़ कर लीजिए। मैं सभी से बोलूँगा कि एक एडवाइस करना चाहूँगा कि पहले की जो वीडियो, जो साफ सुथरी वीडियो आपने बनाई है उसका यूज़ करें। फिर आगे बढ़े, अब इसको आकर्षक कैसे बनाने, कैसे ये बहुत ही बेहतरीन लगे लोगों को, तो सबसे पहले काम जो है वो है आप म्यूज़िक जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी गाना ऐड कर सकते हैं, गाने के साथ साथ आप फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। फिल्टर का यूज़ क्या है इसमें, फिल्टर का बहुत छोटा सा यूज़ है कि आपकी अगर वीडियो क्लियर भी नहीं है तो वो भी बहुत आकर्षक लगने वाली है अगर आप फिल्टर डालेंगे। तो ये दो वर्ड्स लिख के रख लीजिए, एक गाना डाल सकते हैं आप ताकि जो देखने वाला है उसको बहुत पसंद आए, दूसरा आप वीडियो की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं फिल्टर लगा के। तो ये दो चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपने रील बना ली, आपने पोस्ट कर दिया, फिर से आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर का ऑप्शन नीचे आएगा, आप अपनी रील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, तो वो वीडियो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अब देखिए ये तरीका मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। अब इस चीज़ पर रील बनाए या कंटेंट क्या होना चाहिए, कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, आपके मन में प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा। और एक आप रील ऐसे प्रोडक्ट पर बना सकते हैं जिससे आपको फायदा हुआ हो, उदाहरण के लिए गामा, आप गामा प्रोडक्ट पर रील बना सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे मुझे गामा ओरिजिनल यूज़ के फायदे हुए, यूज़ करने के बाद फायदे हुए, पहले और बाद में, वो चीज़ आप सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाएं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि आप कौन सा प्रोडक्ट चुने, कोई भी प्रोडक्ट चुन सकते हैं, तो उदाहरण के लिए आप गामा ओरिजिनल का प्रोडक्ट चुन सकते हैं। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल सटीक हो ताकि सुनने वाले के दिमाग में वो फीड हो जाए, ऐसा नहीं आप बहुत लंबा बना रहे हैं उसको तो देखने वाला देख के चला जाएगा, छोटा और सटीक होना बहुत ज़रूरी है। उसको पोस्ट कैसे करना है, फिल्टर्स और म्यूज़िक लगा के आपको पोस्ट करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। म्यूज़िक लगाना बहुत आसान तरीका है, वो गाने का ऑप्शन आएगा, एक साइन होगा, आइकन देखिए छोटा सा आइकन बना है आपकी स्क्रीन पे, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आप उसको बिल्कुल सेव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिल्टर्स, फिल्टर्स का भी मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, तो बिल्कुल आप फिल्टर्स का भी यूज़ कर पाएंगे। नए लॉन्च, जो भी नया प्रोडक्ट होगा उसकी आप वीडियो बिल्कुल बना सकते हैं, मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप नए प्रोडक्ट से ही शुरू करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए और आपको जानकारी उसकी बहुत होगी, तो आप वीडियो में जो चर्चा कर पाएंगे बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर पाएंगे, और नए प्रोडक्ट को शेयर करेंगे तो सभी कनेक्शन को आप बिल्कुल भेज पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा पाएंगे साथियों तक। चलिए एक और चीज़ आपको करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, आपने वीडियो डाली तो आपको लोगों तक
पहुंचने से पहले ये भी जानना है कि उनको मेरी वीडियो कैसी लगी, और सभी का फीडबैक भी ले सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को आपको हेल्प हो रही है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से उन तक पहुंच भी सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है और पहुंचना भी चाहिए आपको, तो आप उन तक ज़रूर पहुंचे और उनसे फीडबैक ज़रूर लें। तो ये फॉलो अप कहते हैं हम इसको, कि फॉलो अप ज़रूर करें। आपने अपना वीडियो डाल लिया, सामने वाले ने वीडियो का यूज़ प्रोडक्ट का यूज़ करना शुरू किया, फॉलो अप भी उनको करना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्या पूछ सकते हैं ये भी जान लेते हैं, सभी से पूछें कि कितना इस्तेमाल किया है, अनुभव कैसा रहा है। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि आपने कितना इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट और आपको कितना यूज़फुल रहा है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सेशन था आज सोशल मीडिया का भी। मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझाया है कि रील्स डाल सकते हैं, पोस्ट मैंने आपको बताया था, स्टोरी मैंने आपको बताई थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज की ट्रेनिंग हमने ली है, ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसको केवल जानने से कुछ नहीं होगा, इसको आप जब करेंगे, इस्तेमाल लेंगे तो आपको पता चलेगा। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं इसके बारे में, कुछ आपने कोशिश की और कोई चैलेंज आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, पूछना हो तो एड्रेस कर सकते हैं आप। यस तो सबसे पहले चलते हैं रोशन सिंह की तरफ। रोशन सिंह जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, जय श्याम सर। जैसे आपने बताया कि चैनल को फॉलो करना है, अभी मैंने मेरा चैनल इंस्टाग्राम का मैंने आरसीएम चैनल करके डाला, तो कई सारे उसमें नाम आ गए, तो उसमें हमें सही कैसे मिलेगा कि हमारा राइट ये है, इसे हमें फॉलो करना है? सबसे पहले आपने यूट्यूब में सर्च किया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सर्च किया? हाँ सर, मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की जो ऑफिशियल आईडी है वो आरसीएम ऑफिशियल, आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल है, तो ये सर्च कीजिए। आरसीएम चैनल सर्च नहीं करना है आपको, आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल। दूसरा कीसोल ओरिजिनल, तो ये सही डालेंगे बिल्कुल सही मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे साथ साथी और लीडर्स जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप सभी लोग ऑफिशियल आईडीज को लिख के मेंशन कर दीजिए, जिससे कि सामने सभी तक पहुंच पाए करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, मुरली जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरा एक सवाल है सर। जी जैसे सर, अभी हम बैकग्राउंड तो मोबाइल पर हमसे नहीं हो पाया है, लेकिन लैपटॉप से हम देख रहे हैं, लैपटॉप में जो बैकग्राउंड लगाए हैं सर, वो क्या देख रहे हैं कि पिक्चर जो है अप डाउन इस तरह से होता है, हमको दिखाई नहीं पता कि मेरे स्क्रीन में बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा सर? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी जो, अगर आपने बैकग्राउंड लगा हुआ है तो अभी बैकग्राउंड लगा नहीं है आपका, आपको देख नहीं पा रहा हूँ मैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से मतलब ये नहीं है मेरा कि गुरुकुल का बैकग्राउंड हो गया या कोई और बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड से कहने का मतलब है मेरा कि साफ दिखने वाला बैकग्राउंड, ऐसा नहीं हो कि पीछे कोई आ जा रहा हो। ऐसी जगह पे आप वीडियो बनाए जहाँ पे एक दीवार हो पीछे, या खुला एरिया हो या पार्क ही क्यों ना हो, तो ऐसी साफ जगह पे आप वीडियो बनाए। बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि आप गुरुकुल का बैकग्राउंड यूज करें या आरसीएम का बैकग्राउंड यूज करें, कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड टाइडी होना चाहिए। वही सर नहीं हो रहा है हमसे, हम बहुत प्रयास किए सर। नहीं तो बैकग्राउंड लगाना नहीं है आपको, आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे साफ सुथरा बैकग्राउंड हो। तो बैकग्राउंड आपको लगाना नहीं है, ऐसी जगह जाना है जहाँ आप क्लियर देख पाए, पार्क हो, मैदान हो, कोई खुला खुला आसमान हो, तो ऐसी जगह जाना है, तो ही वीडियो का प्रभाव बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। सर ये पूछ रहे हैं ना, जो अभी अपना ये मोबाइल में जो बैकग्राउंड दिख रहा है, इसके बारे में पूछा है इन्होंने। अभी सब्जेक्ट वो नहीं चल रहा ना, अभी जो इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें ऐसा कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अच्छी जगह पे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, थर आलम जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अब बोल रहे थे कि जिस सर फेसबुक पे 5,000 से ज्यादा लोग ऐड कैसे होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्टेड हैं जिसको मैं ऐड नहीं कर पा रहा। आपके पास अगर रिक्वेस्ट आई होगी तो आपको फ्रेंड्स में जाके उनको एक्सेप्ट करना है बस। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जैसे ही आप अकाउंट बनाए, आप ये मत सोचिएगा कि 5,000 मेरे पास आ जाए फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। तो पहले 10 बनेंगे, फिर 20 बनेंगे, फिर 100 बनेंगे, फिर हो सकता है आगे 5,000 ही बन जाए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक्टिव रहेंगे। 5,000 है सर ऑलरेडी, उसके अलावा कई सारे ऐसे हैं। बहुत बढ़िया, फिर तो आपको फेसबुक का यूज बिल्कुल करना चाहिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अभी आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे और साथियों को ऐड करना है, करेक्ट? तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा कि आपके फेसबुक के फ्रेंड्स ऑप्शन में, फ्रेंड्स का नाम से ऑप्शन होगा, वहां पे कितने साथी जुड़े हुए हैं।
अगर रिक्वेस्ट आई होगी तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस पर्सन की रिक्वेस्ट आई हुई, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट जैसे करते हैं सर, दूसरे को रिमूव करने बोल रहा है वो जो ऑलरेडी। ऐसा अच्छा ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी एडेड है आप बढ़ा सकते हैं। आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनके 5-5 मिलियन होते हैं। yes. तो फिर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी आप एक बार फिर से दोहराइएगा और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, शाहिना खातून जी आप इनवाइट कीजिए प्लीज। जी सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे मैं पहले से व्हाट्सएप इंस्टा और फेसबुक चलाती हूँ, तो इसमें हम अलग से कैसे अकाउंट बनवाएं? अभी आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, करेक्ट? अलग से आपको अकाउंट क्यों बनाना है? आपको एक ही बार अकाउंट बनाना है, अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाना है। एक ही आईडी से, एक ही नाम से, एक ही फोटो लगा के अकाउंट बनाना है। तो एक ही बार अकाउंट बनाइए। तरीका आपने अभी सीखा कैसे बनाना है, इंस्टॉल करना, इंस्टॉल कर लिया आपने? जी सर। अब क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन ढूंढ लीजिए, लिख लिया होगा आपने, मोबाइल नंबर डालिए। तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा, आप अगली बार जब भी सेशन होगा तो आप मेरे पास आइएगा, पूछिएगा मुझसे कि आप पोस्ट कैसे कर रहे हैं। तो अकाउंट बनाना तो आज सीखा आपने, पहले भी सीखा होगा, लेकिन आप पोस्ट करना सीखिए, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, मनोज चौरसिया जी आप इनमिट कीजिए प्लीज। सर मेरा तो सवाल का जवाब मैडम दे दिए हैं, मगर हमको कहना सर अकाउंट तो बना हुआ, मगर उसमें हम कैसे डालेंगे उसके बारे में जानना अगले बार। बिल्कुल, तो पोस्ट करना ये ऑलरेडी मैंने पहले सेशंस में कवर किया है। अभी एक छोटा सा क्लिप दिखाया था मैंने आपको जहाँ पे रील डालनी थी, देखा होगा आपने, तो रील के जस्ट नीचे ही पोस्ट का ऑप्शन होगा। तो जिन लोगों को पोस्ट करना नहीं आता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, प्लस आइकन। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे अगर प्लस आइकन देखते हैं आप, प्लस आइकन लिख लीजिए, याद रखिए, प्लस आइकन के माध्यम से आप कोई भी पोस्ट इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो उस पर डाल सकते हैं। थैंक यू सर, प्लस आइकन याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, सुनीता ढाका जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। धन्यवाद सर। और सर मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं पहले तो मैंने प्राइवेट अकाउंट बना रखा था इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं अभी अपना जो आरसीएम का है वो एक पर्सनल अकाउंट बनाऊंगी दूसरा, और उसमें सिर्फ आरसीएम के ही रिलेटिव वीडियो डालूंगी, और वहीं से जो वीडियो छोटी छोटी क्लिप है वहां से उठा के इसमें डालूंगी। और फेसबुक पे तो जैसे कि मैंने उड़ान किया है तो वैसे ही मैंने अकाउंट बना लिया है, और मैंने वहां पर भी छोटी छोटी क्लिपें मैं डाल रही हूँ। और मैं बस सभी जो मेरी बहनें मेरे को सुन रही है, मैं उनको यही बात कहना चाहूंगी कि उनको बोलते हैं कि बहनों ये बोलते हैं घर वाले कि आप ये मतलब कि अकाउंट ना बनाओ, इंस्टाग्राम ना चलाओ, फेसबुक ना चलाओ, तो उन बहनों को मैं ये कहना चाहूंगी आप अगर अपनी ऐसी वैसी जैसे सॉन्ग की वीडियो डालोगे तो सब अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस की वीडियो वहां पर डालोगे तो घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। अपना अकाउंट बनाओ आरसीएम के नाम से और वहां पर अपनी ऐसी वीडियो डालें जो लोगों को प्रभावित करे। जय आरसीएम सर। तो सबसे पहले मैं आपकी बात पे ही एक बात और जोड़ना चाहूंगा, तो अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको नॉलेज है, सही नॉलेज है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग कहीं और चलता है तो बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं होगा। सही तरीके से हर चीज को यूज करेंगे ना तो बिल्कुल फायदेमंद साबित होने वाली है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, करमजीत जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा आपके पास। सर जी मेरा सवाल यही सीगा भी मैं फेसबुक ते जाके उनू कीता सीगा, सर्च कर लिया सी आरसीएम ऑफिशियल, उन दे विच दो ऑप्शन आ रही ने जी, और दोनों फॉलो नहीं हो रही, इंस्टाग्राम ते फॉलो हो गई दोनों, की सोल भी ते ऑफिशियल भी होगी। हाँ जी, लेकिन ये वाली नहीं हो रही, फेसबुक पे नहीं हो रही सर। फेसबुक पर भी आपको फॉलो का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाए। सर क्लिक किया, दोनों दो ऐप आ रही है, एक तो आरसीएम ऑफिशियल, एक आरसीएम ऑफिशियल वर्ल्ड, तो दोनों पे मेरे को पूरा दिख रहा है फोटो जो भी डाला हुआ है आरसीएम का, लेकिन फॉलो की ऑप्शन नहीं आई अभी तक। अच्छा, क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? अच्छा, आपने एक काम हो सकता है कि आपने पहले ही फॉलो करके रखा होगा, कि आपको फॉलोइंग का ऑप्शन आ रहा होगा, क्या ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं? सर हो सकता है मैंने इंस्टाग्राम पे पहले कर लिया ना, हो सकता है उसकी वजह से हो गया जहाँ पहले किया। थैंक यू सर। एक ही कंपनी के, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा ताकि अगली बार जब भी हम मिले तो बिल्कुल डिस्कस कर। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, शैलेश झाजी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। सोशल मीडिया पर सर आज बहुत ही शानदार जानकारी आपने अपलोड कराई। थैंक यू सो मच। फेसबुक और इंस्टाग्राम मैंने काफी पहले से डाउनलोड कर रखा था, लेकिन डर के मारे कभी चलाया नहीं आज तक। ठीक है, आज उसका प्रयास करेंगे। और दूसरा मैं जानना चाह रहा था, मान लो जब मैंने इसका अकाउंट बनाया और उसमें अगर फोटो वगैरह नहीं लगा पाए थे तो अब उसको लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो हम कोई रील वील बनाए
और हम नहीं चाहते कि अभी कोई और उसको देखे तो उसको एडिट या डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी डर बैठा हुआ है रील कैसे बनेगी कैसी बनी, तो वो आगे कोई नहीं देखे, तो ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि उसको डिलीट कर सकें या एडिट कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसे आप कोई भी पोस्ट डालते हैं तो पोस्ट के नीचे तीन बिंदु बने होते हैं, ये भी सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी होगी, तो तीन बिंदु पे क्लिक करते ही एडिट कर सकते हैं आप, डिलीट कर सकते हैं आप, रिस्टोर भी कर सकते हैं, अगर डिलीट कर दिए तो दोबारा भी आ सकती है जी। तो ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, डर देखिए कोई भी आप शुरुआत करेंगे काम की तो जरूरी नहीं है वो परफेक्ट। तो पहले अगर आप पोस्ट डालेंगे, मैं जानता हूँ और आप भी सोचते होंगे कि वो परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है वो परफेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, नए नए चीजें जोड़ते रहेंगे तो परफेक्ट आ ही जाएगा। तो डरिए मत, यूज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चंचल जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। धन्यवाद सर जी। मैं पहले से इंस्टा और फेसबुक यूज कर रही हूँ, बट अब मैं चाहती हूँ कि आरसीएम का अकाउंट अलग से बनाए और उसमें पोस्ट भी आरसीएम का हो और इंस्टा पे भी आरसीएम का हो, वीडियो सर ऑल प्रोडक्ट पे बन सकता है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो कर सकते हैं, और बैकग्राउंड सही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना सर, पीछे जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं तो उसका पोस्टर लगा के हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कोई पोस्टर हमको मिला है कोई भी प्रोडक्ट का तो उस पे लगा के हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, सुनील हीरामत जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर जी, बोलिए। जैसे कि मैंने अभी, मेरे तो अकाउंट दोनों भी है, जैसे कि मैं भी रील्स वगैरह में खुद अभी डाल देता हूँ, लेकिन आरसीएम जो सोशल मीडिया का जो भी है वो नहीं डाल पाता। जब भी अभी हम लोग दूसरा जो जैसे कि हरी संजुनी का पेज या फिर वीडियो हम डालते हैं तो वहाँ पर स्टिकरिंग का काम भी हम लोग कर सकते हैं सर, एडवर्टाइज के लिए, हमारा जो ऐड है, हमारा अभियान का जो प्रचार है उसके लिए। ये भी एक बहुत मुद्दा मुझे अच्छा लगा, ये मैंने शेयरिंग किया है स्टिकरिंग का सर। जैसे कि हम लोग आरसीएम का भी कल एनिवर्सरी हो गया तो छोटे छोटे जो क्लिप है उसको हम लोग, जैसे कि हमारा अभियान प्रचार का वीडियो वीडियो का जो स्टिकरिंग है उसका भी हम लोग वहाँ पर स्टिकरिंग करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कर सकते हैं। ये भी छोटे क्लिप्स की बात कर रहे हैं आप, करेक्ट? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल स्टिकरिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ये पोस्ट, जितने भी पोस्ट आप क्रिएट करेंगे, जितना भी एक्टिव आप रहेंगे, उतने फॉलोअर्स और उतने फ्रेंड्स आपके साथ जुड़ेंगे। तरीके बहुत सारे हैं, देखिए एक तरीका नहीं बोलूंगा, और मेरे तरीके से मत चलिए, मैं तो बोलूंगा आप एक्सपेरिमेंट करिए, ढूंढिए, तो बिल्कुल आप यूज कर पाएंगे और समझ ज्यादा होगी। ओके ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, रुपेश जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। रुपेश जी का हैंड। आगे बढ़ते हैं, या कुमार गोलानी जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने वैसे ये सोशल मीडिया वाला कोर्स किया हुआ है, ये एनसीसी जो कोर्स होता है न्यूटी चार्ज का, उसमें सोशल मीडिया का ऑप्शन है, उसमें मैंने किया हुआ है और लगभग मैंने अपनी 5 ID बनाई है और 5 ID में लगभग 5,000 फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं। बहुत बढ़िया। फिर 5,000 के ऊपर तो जाता नहीं है उसके ऊपर, तो फिर वहाँ से जानकारी मिली कि आपको एक बिजनेस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, तो उसमें सिर्फ फॉलोअर ही होते हैं। समझ गया, ठीक है। तो मैंने लगभग 1 महीने पहले वो फॉलोअर, वो बिजनेस प्रोफाइल मैंने अपनी बनाई थी और लगभग उसमें 150 लोग हैं अभी। मैं मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो मेरे पास लगभग 25,000 जो मेरे फ्रेंड्स हैं लगभग 5, तो उसमें मैं उनको एक साथ में कैसे इन्वाइट करूँ कि वो मेरे पेज को फॉलो करें? एक एक व्यक्ति के ऊपर जाते हैं तो काफ़ी टाइम उसमें जाता है। बिल्कुल लगता है सर, आपने ये बोला कि अपन जो कोई भी पोस्ट डालते हैं, रील डालते हैं, फीड डालते हैं, उसमें यदि हम डालते हैं तो एक व्यक्ति को यदि टैग करेंगे तो काफ़ी, ऐसा कुछ ऑप्शन है कि अपन अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं या फिर जितने भी मेंबर्स हैं अपने उसमें ग्रुप में एक साथ में अपन डालेंगे और एक साथ टैग करेंगे तो सबको टैग मिलेगा कि एक व्यक्ति को पर्सनल डालेगा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, तो मैं आपकी बात को समझ गया। तो सबसे पहले मैं पॉइंट आपका जो है कि एक साथ अपने सारे लोगों को, तो देखिए एक साथ ऐसा ऑप्शन तो आएगा नहीं कि सारे लोगों को, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सबको टैग हो जाए, तो टैग नहीं कर पाएंगे, आपको चुनना पड़ेगा टैग। लेकिन सभी तक इन्फॉर्मेशन आपके पेज की कैसे पहुंचे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको एक पोस्ट तैयार करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि ये मेरा पेज है, जो भी आप लिखना चाहेंगे प्लीज इसको फॉलो करें या जो भी आप मेंशन करें। उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में आप लिखिए हाईलाइट, @highlight, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ये ऑप्शन @highlight का अगर आप यूज करेंगे कॉमेंट सेक्शन में, तो जितने भी साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर सभी वो पोस्ट पढ़ पाएंगे और सभी को नोटिफिकेशन जाएगा।
ये यूज़ कीजिए, इससे आप अपने पोस्ट को हाईलाइट कर सकते हैं।